तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन मार्केट में सैमसंग का गैलेक्सी F12 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और यहाँ पर उस स्मार्टफोन के प्राइस निकल कर आ चुके हैं कि ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में किस प्राइस पे लॉन्च होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन की कंफर्म स्पेक्स भी आपसे बताऊंगा क्या प्राइस होने वाली है इंडियन मार्केट में जब भी स्मार्टफोन आज इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो अगर दोस्तों आप भी स्मार्टफोन के स्पेक्स एंड प्राइस जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें ना स्मार्टफोन के स्पेक्स की, तो उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी जुड़ी वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लाता रहता हूं। तो चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन के स्पेक्स की। तो दोस्तों यहां पर स्टार्टिंग करेंगे स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो यहां पर आपको 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि HD+ डिस्प्ले है और कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पर बात करें अगर हम स्मार्टफोन के रिफ्रेश रेट की, तो यहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। मैं कहूंगा कि सैमसंग काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर यहां पर आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता तो ज़्यादा ही मजा आ जाता, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि मिनिमम आपको HD+ डिस्प्ले से तो अब हटा देना चाहिए। यहाँ पर सभी कंपनी को अपने स्मार्टफोन में फुल HD+ डिस्प्ले तो प्रोवाइड करानी ही चाहिए। आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों वहीं पर पीछे की तरफ डिजाइन की बात करें ना, तो पीछे आपको प्लास्टिक बैक डिजाइन देखने को मिलेगा जहाँ पर पीछे की तरफ आपको क्वाइट एयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पीछे की तरफ आपको जो क्वाइट एयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है ना, उसमें प्राइमरी सेंसर आपको 48 MP का देखने को मिलेगा, साथ ही वहाँ पर आपको एक 5 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बाकी इसके अलावा पीछे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, क्लीन बैक देखने को मिल जाती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर देगा कि आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादा बेहतर लगता है या फिर पीछे की तरफ रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादा बेहतर लगता है। अब वहीं पर बात करें स्मार्टफोन का प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको वही 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक्सिनोस का 850 होने वाला है। अब दोस्तों अगर हम स्मार्टफोन के लॉन्च वेरियंट की बात करें ना, तो स्मार्टफोन 2 वेरियंट में लॉन्च किया जाएगा, 4 GB RAM, 64 GB स्टोरेज और 6 GB RAM, 128 GB स्टोरेज। वैसे यहाँ पर जो इसका वेरियंट है ना, वो 6 GB RAM वाला बाय करने में ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्यों मैं अगर आपसे बताने वाला हूँ। और वहीं पर अगर हम स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है, आराम से आपको 2 दिन का बैकअप प्रोवाइड करा देगी। वहीं पर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर आपको 15 वाट का इनबॉक्स चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन 6000 mAh की बैटरी के हिसाब से अगर आप देखें ना, तो फास्ट चार्जर आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी अगर चार्ज करनी है 15 वाट की फास्ट चार्जिंग से, तो करीब आपको यहाँ पर 3 से 3.5 घंटे का वेट करना पड़ेगा। अब वहीं पे बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की, तो दोस्तों जो इसकी लीक प्राइस निकल कर आई है ना, उसके 4 GB RAM और 64 GB स्टोरेज वेरियंट की करीब आपको 13,000 रुपये देखने को मिलेगी। जहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई लग सकती है स्मार्टफोन को स्पेक्स को देखते हुए। जहाँ तक मेरी अगर ओपिनियन आप जानना चाहें स्मार्टफोन के स्पेक्स के हिसाब से प्राइस का, तो यहाँ पर स्मार्टफोन जो प्राइस होनी चाहिए ना, वो करीब यहाँ पर 9,000 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सैमसंग का गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन जो है ना, वो ऑलरेडी 10,000 रुपये मार्केट में अवेलेबल है। अगर इससे कम प्राइस में स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जो बताइए। और वहीं पे इसके 6 GB RAM और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस की बात करें तो वो आपको 15,000 रुपये में देखने को मिलेगा। अब 15,000 रुपये में 6 GB RAM, 128 GB स्टोरेज तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको जो स्पेक्स देखने को मिलते हैं ना, प्रोसेसर डिस्प्ले, वो इतने अच्छे आपको नहीं लगेंगे। अब यहाँ पर मेरा ओपिनियन यही है कि इस स्मार्टफोन को आप बाय ना करें, यहाँ पर किसी अदर कंपनी का स्मार्टफोन भी आप देख सकते हैं, वरना तो आप सैमसंग का गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन भी ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप सैमसंग का ही स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो। और अगर आप इसका किसी और स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि यहाँ पर अगर आप इंडियन मार्केट के साथ में जाना चाहते हैं ना इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड के साथ, तो आप माइक्रोमैक्स इन नोट 1 स्मार्टफोन भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे स्पेक्स आपको प्रोवाइड करता है इस स्मार्टफोन के मुकाबले में, और वहाँ पर आपको एक फुल HD+ डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों उम्मीद करूँगा यहाँ पर आपको स्मार्टफोन की स्पेक्स एंड प्राइस अच्छी लगी होगी। अब दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।